खुद इसमें कौन कौन है? हमरा मन कर गया इस रांड को बजाने का। अब होगा मौत का तांड। दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग और शानदार हिंदी वेब सीरीज के बारे में बताएंगे जिन्हें अभी तक बहुत से लोगों ने नहीं देखा होगा। ये वेब सीरीज बहुत ज्यादा हिट हुई थी, प्लस इन्हें बहुत अधिक पसंद किया गया। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन वेब सीरीज के बारे में। तो आपको अभी नहीं मरना है। जूते नहीं बेच रहे हैं कि जब मर्जी किया ऑर्डर कैंसिल कर दिया। और एक बार अगर उपाध्याय ने सोच लिया कि तुम मरोगे तो तुम मरोगे ही। नंबर वन पर है देव डीडी। इस वेब सीरीज को एएलटी बालाजी पर रिलीज किया गया है जो ड्रामा और रोमांस पर बेस्ड है। इसे देवदास का लेडी वर्जन भी कहा जाता है क्योंकि इस कहानी में हीरोइन ही हीरो है। यह बात समझने के लिए आपको यह वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। इस वेब सीरीज में आपको काफी सारे बोल्ड सीन देखने को मिल जाएंगे। तेरी सी लड़कियों को ना बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं। यू एसहोल। कंडम चाहिए, एक बनाना, स्ट्रॉबेरी, एक काम करो फुल फ्रूट सैलेड पैक कर दो और हाँ चॉकलेट भी। नंबर टू पर है हसमुख। अप्रैल 2020 में रिलीज यह वेब सीरीज क्राइम और डार्क कॉमेडी पर बेस्ड है। वेब सीरीज की स्टोरी वीर दास द्वारा बनाई गई हसमुख की कहानी के बारे में दिखाती है, जिनका सपना है एक कॉमेडियन बनने का, लेकिन किसी को मारे बिना वो स्टेज पर परफॉर्म नहीं कर पाते। या फिर कह सकते हैं वीर दास सिर्फ लोगों को मारते हैं अपना कॉन्फिडेंस पाने के लिए और स्टेज पर अपना अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए। वेब सीरीज बहुत ही मजेदार है जिसके टोटल 10 एपिसोड रिलीज किए गए हैं। अगर आप इस वेब सीरीज को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। किलर हो तुम जी, मार ही डालोगे किसी को। सर आप तो तारीफ भी करते हो तो एकदम कंफ्यूज कर देते हो। देख रहा हूँ सबके लबों पर, सबकी जुबान पर बस एक ही नाम। नंबर थ्री पर है पंचायत। दोस्तों कॉमेडी और ड्रामा पर बेस्ड यह वेब सीरीज 3 अप्रैल 2020 को रिलीज की गई थी जो लोगों के बीच आजकल काफी पॉपुलर हो रही है। इस वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक ग्रेजुएट इंजीनियर अभिषेक से जो अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव वापस आया है और गांव के पंचायत का सचिव बनकर लोगों को कंट्रोल करता है। दोस्तों यह वेब सीरीज यूपी के गाँव की रियल स्टोरी है जिसे IMDb ने रेटिंग दी है 10 में से 9 की। अरे भैया हाथ तो धो लेने दीजिए। अरे अपने घर में रुकवा लेते हैं। घर में जवान बेटी है और एक अनजान आदमी को घर में रुकवाएंगे? अरे अनजान कहाँ है भाई, ऑफिस के सचिव हैं और सबसे बड़ी बात अपने ही कास्ट के हैं। तो अपनी बेटी क्यों नहीं ब्याह देते उनसे? अरे नहीं, उनका तनख्वाह बहुत कम है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वेब सीरीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।